वोट दे के चाची ओ जिताई दिया, तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और अब पवन सिंह, इन सभी के नाम एक खास रिकॉर्ड है और वो पहला चुनाव हारने का है। पवन सिंह जिस अंदाज में काराकाट में ताल ठोक रहे थे तो उससे लग रहा था कि वो भोजपुरी गायक अभिनेताओं का ये सियासी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। पवन सिंह काराकाट से हार गए। इस सीट से सीपीआई माले के राजा राम सिंह ने विजयी पताका लहराया है। पवन सिंह खुद तो हारे ही, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी एक लिहाज से हरवा दिया, लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह क्यों हार गए। दरअसल काराकाट में वाम दलों का अभी भी प्रभाव है और राजा राम को उस आधार का फायदा मिला। इसके अलावा पवन सिंह को देखने भले ही बहुत भीड़ उमड़ी, लेकिन उनका कोई सियासी आधार नहीं था। फिर पहले वो बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें बिहार से लड़ना था और वो आखिरी वक्त में काराकाट आ गए। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही लड़ लिए। पवन सिंह को पूरा भरोसा था कि उनका स्टारडम उन्हें जरूर जीत दिलवाएगा और उनकी माँ का सपना भी पूरा होगा। फिर मेरी माँ से बात हुई, क्योंकि सवेरे सुत के उठने के बाद मैं पहला कॉल मैं अपनी माँ को ही करता हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे चुनाव लड़ा था ना। हम सोचे कि जब माँ ही इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि चुनाव लड़ रहे हो ना, हमारे भाई सब बधाई दे ही रहे हैं, तो मुझे चुनाव लड़ना है, तो इसलिए मेरा और हर इंसान चाहता है कि जीवन में कुछ नया करूं। पहले मुझे जनता ने गायक बनाया, फिर मैं नायक हुआ और ये हमारे जीवन की तीसरी पारी है, तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है और कोई ये नहीं है कि मेरे मन में क्या था या मन में कुछ सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का ये है। पवन सिंह की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और युवाओं में भी उनका काफी क्रेज है, लेकिन उनकी दो शादियों के विवाद से लेकर घरेलू हिंसा के आरोप तक पवन सिंह पर भारी पड़े। फिर निर्दलीय जीतना आसान नहीं, क्योंकि पवन सिंह के पास किसी तरह का कोई कैडर बेस नहीं था, सिर्फ फैन थे और वो फैन उन्हें देखकर चलते बने। बावजूद इसके अगर पवन सिंह 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं तो मतलब साफ है वो ये कि अगर वो भी रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ की तरह राजनीति में टिके रहते हैं तो उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। आज तक ब्यूरो।